हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज हम बात करने वाले सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 मेंस शेड्यूल के बाद जल्द रिलीज होगी सीबीएसई टर्म 2 की डेट शीट। 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है एग्ज़ाम। नई दिल्ली एजुकेशन डेस्क सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 सीबीएसई टर्म 2 डेट शीट की घोषणा कर रहे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल सीबीएसई जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी डेटशीट जारी कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अगले सप्ताह यानी तक रिलीज हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के ट्रेंड के अनुसार सीबीएसई परीक्षा का लगभग 45 दिन पहले डेट शीट जारी कर सकता है। इस प्रकार 26 अप्रैल से शुरू होने वाली एग्ज़ाम के लिए डेट शीट लगभग 15 मार्च के आसपास रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में बोर्ड की तरह से कई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही डेट शीट जारी कर सकता है। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा इस बार परीक्षा सब्जेक्ट मोड में होगी। वही बोर्ड ने टर्म 2 की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तारीख पहले ही घोषणा कर दी गई थी। इसके अनुसार यह प्रायोगिक एग्ज़ाम का आज यानी 2 मार्च से शुरू हो चुकी है। सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट सीबीएसई टर्म 1 का रिजल्ट का स्टूडेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। छात्रों ने बोर्ड से अपील की है कि 26 अप्रैल को टर्म 2 की एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा की परिणाम जारी कर दी है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बोर्ड अगले सप्ताह तक परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने इस पर कई पुष्टि नहीं की है। वहीं एक बार टर्म 1 एग्ज़ाम का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी जांच कर सकेंगे। वेबसाइट का अलावा छात्र अपने टर्म 1 की परिणाम एसएमएस, मोबाइल ऐप, डिजिटल ऐप और उमंग ऐप पर माध्यम से आप लोग डाउनलोड करके उससे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीबीएसई की सारी अपडेट आती है। आई होप सो आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।